नमस्कार, स्वागत है आपका परफेक्ट टाइमलाइन में और मैं हूं आपके साथ अजय दीप सिंह। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज जम्मू में एस्टेट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि काफी समय से ये परमानेंट होने की मांग कर रहे हैं। धरने पे बैठे कई एम्प्लॉयज 20 से 25 साल अब उन्हें हो चुके हैं, लेकिन परमानेंट अभी सरकार की तरफ से वो नहीं हुए हैं। वहीं उनका ये भी कहना है कि जल्द से जल्द उनकी तनख्वाहों को भी बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि काफी सारी अभी जरूरतें हैं जो उनकी पूरी नहीं होती और तनख्वाह बहुत कम है। इसी को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और इस बात के लिए सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को अनसुना किया जाएगा तो आने वाले समय में वो और ज्यादा प्रदर्शन को उग्र करेंगे। यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन देखा गया। ये छात्र इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के थे। इनका ये कहना है कि ऑनलाइन एग्जाम्स होने चाहिए। वहीं अगर हम जम्मू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो ऑफलाइन एग्जाम्स लेने की बात कर रहे हैं, जिससे ये स्टूडेंट्स नाखुश हैं। वहीं NSUI ने भी इन स्टूडेंट्स को समर्थन दिया है और इस बात के लिए वाइस चांसलर को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो वो और ज्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसका खामियाजा जम्मू सरकार को झेलना पड़ेगा। आज जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरपर्सन हर्षदेव सिंह ने आज उधमपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यहां के लोकल MLA और कई नेताओं को निशाने पर लिया, जिन्होंने अभी तक उधमपुर की दूरदराज इलाकों के गांव की जो व्यवस्था है उसे ठीक नहीं किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यहां पर सड़कें और पीने का पानी और बिजली की जो सुविधा है वो दूरदराज के गांव को नहीं मिल पा रही है और इस बात की उन्होंने कड़ी चिंता जताई और इस बात को लेकर उन्होंने सरकार को काफ़ी खड़ी कोटी भी सुनाई। उनका ये कहना है कि अगर उनकी सरकार आती, अगर वो मंत्री बनते तो बहुत कुछ सुधार हो सकता था उधमपुर के लोगों का और राज्य के लोगों का। आज कश्मीर से एक और ग्रेनेड अटैक की खबर सामने आई। आपको बता दें कि कश्मीर के ख्वाजा बाजार में एक ग्रेनेड अटैक हुआ। लगातार आतंकवादी पुलिस वालों को और CRPF वालों को निशाना बनाने की कोशिश में लगे हैं। इस ग्रेनेड अटैक में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं आई, लेकिन एक दुकान का शीशा पूरी तरह से टूट गया। लगातार मिलिटेंट्स यहाँ पर आर्मी वालों को पुलिस वालों को निशाना बनाने की कोशिश में है और कश्मीर के हालात बेहद संजीदा बने हुए हैं। जम्मू के कांग्रेस पार्टी आवास में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम अहमद मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डिलिमिटेशन की रिपोर्ट को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट है ये बेहद गलत है और जम्मू के लोगों के साथ विश्वासघात है। वहीं इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रविंदर रैना का एक ऑडियो टेप भी सबको सुनाया, जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को बदलने की बात कर रहे हैं, असर को किश्तवाड़ में लाने की बात कर रहे हैं। इस ऑडियो टेप से उन्होंने इस बात को लेकर साफ कहा कि इस तरह से BJP लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। वहीं डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है ये पूरी तरह से धांधलेबाजी है और आम जनता के विचारों के साथ, इमोशंस के साथ खिलवाड़ है। वहीं आज शुक्रवार की नमाज पढ़ने के बाद जम्मू के बठिंडी इलाके में एक बार फिर से हिजाब मामले को लेकर काफी लोग गुस्साए हुए नजर आए और सड़कों पर आए। आपको बता दें कि आज के प्रदर्शन में महिलाएं भी थी जो बुर्का पहने हुई थी। उन्होंने इस बात को लेकर जोर दिया कि हिजाब पहना उनके धर्म में लिखा है और उनके धर्म के किसी भी नीति के साथ अगर कोई छेड़छाड़ होती है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। आपको बता दें कि मौके पर पुलिस कर्मी भी तैनात थे और यहाँ पर इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि हिजाब मामला अब देश में तूल पकड़ रहा है। वहां जम्मू के भी कई इलाकों में हिजाब को लेकर प्रदर्शन हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई है।
यूपी में इलेक्शन का दौर चरम पर है। ऐसे में जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होना बाकी है वहां राजनीतिक पार्टियां भरसक प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने इटावा में चुनाव प्रचार किया। ये रोड शो के दौरान मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव एक साथ प्रचार के लिए पहुंचे। गुरुवार को समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी विजय रथ इटावा के सैफिया पहुँचा था। कांग्रेस ने शुक्रवार को पंजाब के लिए अपना घोषणा पत्र 2022 मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पंजाब की जनता से कई बड़े वादे किए हैं। इस घोषणा पत्र में हर साल 1,00,000 सरकारी नौकरियों का वादा किया गया है। चुनावी मैनिफेस्टो में कांग्रेस का कहना है कि अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो ऐसे में सीएम के पहले दस्तखत 1,00,000 सरकारी नौकरियों के लिए होंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर शुक्रवार को गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में की गई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में गृह सचिव, NSA, IB चीफ, आर्मी चीफ, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर के DGP, CRPF, NI, DG सहित गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी भी शामिल रहे। भारत में कोरोना की रफ्तार धीमी हो गई है, लिहाजा रोजाना मिलने वाले संक्रमितों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज करी गई है। बीते 24 घंटों में देश में कोविड के 25,920 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं, यानी मरीजों की संख्या गुरुवार की तुलना में 4,837 कम पाई गई है। हालांकि कोरोना से एक दिन में 492 लोगों की मौत हुई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब देश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट घटकर 2.07% रह गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कुमार विश्वास के आरोप और उस पर हो रही सियासत पर कहा कि सारे भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी को हराने और संभवतः सीएम बनने से रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं और इकट्ठा हुए हैं। कुमार विश्वास पर तंज कसते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कवि ने एक दिन अचानक कविता सुनाई, फिर पीएम का उस पर ध्यान गया और मुझे आतंकवादी कह दिया गया। केजरीवाल ने यह भी कहा कि विकास की बात करने वाला अगर आतंकवादी है तो हाँ, मैं हूँ स्वीट आतंकवादी। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड अब खत्म हो रही है। 2 महीने तक चली कड़ाके की सर्दी खत्म होने के बाद भी जनता को सुबह और रात में थोड़ी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दोपहर को धूप निकलने की वजह से अब लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज कई राज्यों में बारिश होने वाली है। जिन राज्यों में आज मौसम बदलेगा उनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई राज्य शामिल हैं। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वो न सिर्फ एक्टिंग में सक्रिय थे बल्कि राजनीति में भी उनका काफी नाम था और वो काफी एक्टिव थे। दीप सिद्धू वो नाम थे जिसे किसान आंदोलन के वक्त काफी ऊंचाइयां मिली। वहीं दीप सिद्धू पंजाबी फिल्मों में जाने माने एक्टर थे लेकिन किसान आंदोलन के दौरान वो देश भर में चर्चित हो गए। इस वजह से उनकी मौत को दुर्घटना कम और साजिश का नाम ज्यादा दिया जा रहा है। तो ये थी आज दिन की तमाम बड़ी खबरें। तमाम राज्य की खबरों के लिए आप परफेक्ट टाइमलाइन को फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।